Question 10. Briefly describe any five features of the foreign policy of Hitler that made Germany an international power. Or, Hitler's foreign policy aimed at gaining power and prestige for Germany. State these features of his foreign policy. तो फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाल दिया. लीग ऑफ नेशंस जो है वो यूएन जैसा एक जैसी एक असेंबली थी जिसका मेन पर्पस ये था कि वो दुनिया में पीस बना कर रखें. उसके बाद हिटलर ने रीऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि दोबारा कब्जा कर लिया राइनलैंड पे. राइनलैंड हमने पहले पढ़ा था कि वेस्ट जर्मनी का एक रिसोर्स रिच हिस्सा था. जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद इसे डीमिलिटराइज कर दिया गया था. इसका मतलब उसमें से आर्मी पावर जो है वो सारी हटा दी गई थी. उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया था. इंटीग्रेट यानी कि साथ में लाना. उसका स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. वन पीपल का मतलब हम सब, मतलब वो सब जो हैं वो एक ही जगह के लोग हैं. जैसे हम सब इंडियन हैं तो हम वन पीपल हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोग वन पीपल हैं. उनका वो एक ही एम्पायर के अंडर हैं और उनका एक ही लीडर है जो कि है हिटलर. नेक्स्ट था जर्मन स्पीकिंग एरिया जो था जिसका नाम था सुडेटनलैंड. ये चेकोस्लोवाकिया के अंडर था पहले. इसको हिटलर ने दोबारा इस पर कब्ज़ा कर लिया, उसको दोबारा ऑक्यूपाई कर दिया और उसके बाद उसने पूरी चेकोस्लोवाकिया को उस पर भी कब्ज़ा कर दिया. ही लेटर टुक ओवर द एंटायर कंट्री. इन सब में इंग्लैंड का हिटलर के लिए सपोर्ट था. ये इसलिए क्योंकि इंग्लैंड भी मानता था कि जो वर्सेमे ट्रीटी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी वो बहुत हार्श थी और उसकी कंडीशंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर थी. तो इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इतने समय से जर्मनी की हालात काफ़ी ख़राब चल रहे थे और उसके बाद जो इतने क्विक सक्सेसेस हो रहे हैं, यानी कि हिटलर जो है वो बदलाव ला रहा है, उसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि उनकी कंट्री अब सही चलेगी और उनका हिटलर और नाजी पार्टी में विश्वास और भी बढ़ गया. क्वेश्चन 11. हाईलाइट एनी फाइव स्टेप्स टेकन बाय हिटलर टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन जर्मनी. और How was democracy dismantled under the rule of Hitler? Explain any five ways. तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है. प्राइम मिनिस्टर की जर्मनी में ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स होती हैं. पावर अक्वायर करने के बाद, यानी कि जब हिटलर को पावर मिल गई, तब उसने डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया. वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहा था. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक मिस्टीरियस फायर, यानी कि आग लग गई राइक्सटैग में. राइक्सटैग जो है वो होता है जर्मन पार्लियामेंट और इसकी बिल्डिंग जो थी उसको काफ़ी डैमेज हुआ इस आग में. नेक्स्ट थी फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933. डिक्री यानी कि कोर्ट का एक ऑर्डर. इसके थ्रू राइट्स जो हैं वो इनडेफिनेटली सस्पेंड हो गए. सिविक राइट्स यानी कि वो राइट्स जो आपको एक कंट्री का सिटीज़न होने से मिलती हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि उन पर रोक लगा दी गई. ये राइट्स जो हैं ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करी थी. यानी कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक था तो हर सिटीज़न को ये सिविक राइट्स मिलती थी, लेकिन फायर डिक्री के अंडर इन राइट्स पर रोक लगा दी गई. जो कम्युनिस्ट थे वो नाजी पार्टी और हिटलर के सबसे बड़े एनिमीज थे, सबसे बड़े दुश्मन थे. इन सब लोगों को बहुत जल्दी जल्दी अरेस्ट किया गया और उनको नए जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने थे जहाँ पर लोगों को मारा जाता था वहाँ पर भेज दिया गया. कम्युनिस्ट के साथ साथ 52 तरह के अलग अलग विक्टिम्स थे जिनको नाजी जर्मनी ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में. इनमें आते थे ज्यूश लोग, पोलिश लोग, जो लोग डिसेबल्ड थे और जिनको भी नाजी जर्मनी मानती थी कि वो लोग फिट नहीं हैं, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिया जाता था. 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास हुई. एनेबलिंग एक्ट के थ्रू फॉर्मली जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई. इसकी वजह से हिटलर को सारी पावर्स मिल गई और उसको राइस्टैग यानी कि जर्मन पार्लियामेंट की
एडवाइस लेना या परमिशन लेना ज़रूरी नहीं था। नाजी पार्टी और उसके उससे जो जुड़े हुए लोग थे, उसके जो एफिलिएट्स थे, उनके अलावा बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ट्रेड यूनियंस पर बैन लगा दिया गया। तो इसकी वजह से नाजी पार्टी और हिटलर का पूरा कंट्रोल था इकॉनमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। उसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो क्रिएट करी गई, जैसे कि गेस्टापो और जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो लोग। और ये लोग लोगों पर सर्वेलेंस रखते थे, यानी कि निगरानी रखते थे, जिससे कि वो लोग जो हैं वो उसी तरह बिहेव करें जैसे कि नाजीज चाहते थे।